छात्रों आपने इससे पहली वीडियो वीडियो में में मिठाई वाला पाठ की इससे पहली वीडियो में, आप सभी ने खिलौने वाले मुरलिया वाले और मिठाई वाले की भावनाओं को जाना यह तीनों नाम सिर्फ एक ही व्यक्ति के हैं पर वह अलग अलग रूप लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ है यह अलग रूप इसलिए लेता है ताकि वह बच्चों के हृदय में और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला सके और अपने हृदय में हर्ष संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर अपनी भावनाओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सके मिठाई वाला खिलौने वाला और मुरलिया वाला एक ही है परंतु वह चीजों को इसलिए नहीं बेचता ताकि वह मुनाफा कमा सके वह इसलिए बेचता है ताकि वह संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख को प्राप्त कर सके आप लोगों ने काफी सारे फेरी वाले देखे होंगे और कुछ फेरी वाले आप लोगों को लूट भी लेते हैं अगर आपको सही दाम ना पता हो पर कुछ फेरी वाले सीमित दामों ही में ही आप लोगों को चीजें उपलब्ध करवाते हैं अब आप लोग जान सकोगे जब भी फेरी वालों से आप कोई भी चीज लोगे तब आपके हृदय में मिठाई वाला खिलौने वाला और आपका मुरलिया वाला प्रस्तुत हो जाएगा आप उनकी छवि से क्या हो पाओगे परिचित हो पाओगे और वही भावनाओं को ढूंढोगे जो आपने मिठाई वाले के अंदर भावनाओं को जाना है और देखा है आखिरी में हम सब पढ़ रहे थे वह बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता पर हाँ मुझे क्या मिलता है संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ आप सभी छात्रों से मेरा प्रश्न है अभी तक जितना भी आप लोगों ने पाठ पढ़ा है उतने पाठ का क्या उद्देश्य है आप सभी छात्र जान चुके हैं, उद्देश्य लेखक का सिर्फ इतना सा ही है कि आपके समक्ष वह इस व्यक्ति की भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहता है उन बच्चों की मुस्कान को प्रस्तुत करना चाहता है जो फेरी वाले को देखकर पुलकित हो जाते हैं उस महिला की भावनाओं को प्रस्तुत करना चाहता है जो सिर्फ एक ही है जो उसकी आवाज को मिठाई वाले खिलौने वाले और मुररिया वाला अपनी भावनाओं को रोहिणी के सामने प्रस्तुत कर पाता है आप सभी को अभी तक पाठ से क्या सीख मिली है यही सीख मिली है कि हमें कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए आप सभी ने यहाँ पर उदाहरण देखा होगा विजय बाबू का और आपके मुरलिया वाले का किस तरीके से ग्राहक बेचने वाले को समझता है तो हमें बिना सोचे समझे कभी भी किसी को कोई बात नहीं बोलनी चाहिए आइए आगे के पाठ को पढ़ते हैं क्या आपको मिठाई वाला बताता है अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा वो बहुत ही गंभीर अवस्था में था बहुत ही सोच में डूबा हुआ था मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था मैं प्रसिद्ध आदमी था मकान था मेरे पास व्यवसाय व्यापार था गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था स्त्री थी मेरी पत्नी भी थी छोटे छोटे दो बच्चे भी थे मेरा वह सोने का संसार था ये जितना भी संसार था मेरे सोने का संसार था सोना मतलब वो सोने वाला सोना नहीं है क्रिया नहीं है यहाँ पर यहाँ पर धातु को बोला गया है गोल्ड को बाहर संपत्ति का वैभव था बाहर मेरे पास धन दौलत थी और उसकी प्रसिद्धि थी वैभव का मतलब प्रसिद्धि थी भीतर सांसारिक सुख था और संसार का जो सुख होता है अंदर मन से जो सुख था वह भी मुझे प्राप्त था स्त्री सुंदरी थी बहुत ही सुंदर जान पड़ती थी बहुत ही सुंदर थी मेरी प्राण थी मुझे प्राणों से बहुत ही प्यारी थी बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने इतने सुंदर इतने गोरे दिखाई देते थे जैसे लगता था कि सोना क्या है सामने रखा हुआ सजीव का मतलब जीवित उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था बच्चे खिलखिलाकर हंसते थे भागते थे दौड़ते थे तो कोलाहल शोर, शराबा मचा रहता था समय की, गति समझो, विधाता की लीला समझो अब कोई नहीं है दादी प्राण निकाले नहीं निकले दादी की इतनी उम्र हो गई थी फिर भी उनके प्राण नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं पर यहाँ पर मिठाई वाले के साथ ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि उसका पूरा परिवार ही क्या हो गया खत्म गया आखिर कहीं ना वे सब अंत में होंगे तो यही नहीं वो अपने बच्चों को अपनी पत्नी को दूसरों में क्या है देखता है। बच्चों, बच्चों की खोज में निकला हुआ आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे अगर कहीं नहीं है मर गए है तो कहीं ना कहीं तो जन्म हो चुका होगा पुनर्जन्म हुआ हो उस तरह रहता घुल घुल कर मरता अगर मैं उदास ही रहता और सतमे में ही रहता तो शायद मर जाता इस तरह मैं इस तरह बेचकर चीजों को सुख और संतोष के साथ मरूंगा इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं पैसों की कमी थोड़ी ही है आपकी दया से पैसा तो मेरे पास काफी है मैं एक ही तो जना हूँ जो खाना खा लेता हूँ जी लेता हूँ जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ अब इस पंक्ति का क्या भाव है इस वाक्य का क्या भाव है कि पैसे की कमी थोड़ी है पैसों की कोई कमी नहीं होती पैसा आप कभी भी कमा सकते हो पर अपने सुखी जीवन को एक बार गवाने के बाद दोबारा से प्राप्त नहीं कर पा वैसे ही बच्चों को खो देने के बाद वो बच्चों को प्राप्त नहीं कर पाया इसीलिए वो खिलौने बेचकर अन्य बच्चों की मुस्कान में अपनी मुस्कान समझता है रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा उसकी आंखें आंसुओं से तर है इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई मुझे लो लो यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को क्या है दे दी रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए सामने नहीं आई वो समाज के डर से मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे ना लूंगा मेरा जो मकसद था और जो लेखक का उद्देश्य था वह इस वाक्य से क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता लेखक का उद्देश्य इस पाठ को लिखकर आप सभी छात्रों के समक्ष यह समझाना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता आपकी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है आप अपना जीवन कैसे चुनते हो वो आप पर निर्भर है अपनी खुशियां दूसरों की खुशियों पर दूसरों की खुशियों से भी जी सकते हो यह बात आप सभी छात्रों को गांठ बांध लेनी चाहिए दादी बोली अरे अरे नाना अपने पैसे लिए जवाई तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मा, मादक मृदुल स्वर में मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला और धीरे धीरे यह आवाज क्या हो गई गायब हो गई गा। यह पाठ भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है आपको शुरुआत में लेखक का नाम बता दिया गया था आप सभी से मेरे कुछ प्रश्न है ध्यान ने कितने पैसों में अपनी मुरलिया खरीदी थी साथ ही साथ मिठाई वाले के कितने बच्चे थे क्या उसका फलता फूलता परिवार था था तो ऐसा क्या हुआ मिठाई वाले के साथ जिसकी वजह से वह उदास रहने लगा था और उसने यह व्यापार करना शुरू किया मिठाई का व्यापार शुरू किया मिठाई वाले को पैसों से ना मतलब होकर किस चीज से मतलब था और मिठाई वाले को असीम सुख किस में प्राप्त होता था किसने मिठाई वाले को रोककर मिठाई वाले की भावनाओं को समझना चाह। दादी माँ ने मिठाई कितने पैसे में खरीदी खरीदी? और कितनी खरी आप सभी छात्रों ने पाठ से संबंधित लघु प्रश्नों का निर्माण स्वयं करना है और ईआरपी में उपलब्ध वर्कशीट और पीएससी टेस्ट को बहु परीक्षा को आप सभी ने पूर्ण करना है समझना है पाठ को आपने दोबारा से पढ़ना है एक बार मैं आप सभी को दोबारा से संक्षिप्त तौर पर समझा रही हूँ ध्यान पूर्वक सुनिए शुरुआत पाठ की आपके खिलौने वाले की आवाज से होती है खिलौने वाले की मृदुल मधुर आवाज लोगों के कानों में जाती है वहीं लेखक भी उपस्थित है लेखक या अन्य लोग जब उसकी आवाज को सुनते हैं खासकर बच्चे तो वह बहुत ही उतावले हो जाते हैं खिलौने लेने के लिए वह घरों के बीच आंगन में अपने खिलौने की पेटी खोल देता है और सारे बच्चे खिलौने वाले को घेर कर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। खिलौना बेचने के बाद मुन्नू मुन्नू भी अपने लिए खिलौने खरीदते हैं, और की मां उनसे पूछती है कि तुमने कितने में खिलौने खरीदे? जब उसे यह पता चलता है कि खिलौने वाले ने दो पैसों पे खिलौने दिए हैं तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि आज के समाज में भी इतने सस्ते दामों में कौन सौदा कर रहा है वह सोचती है अगर करा है तो ठीक है कोई ना कोई कारण तो होगा इसके लिए तो वो उसे भूल जाती है जब खिलौने वाला मुरलिया वाले के रूप में छह महीने के बाद वापस उस गली में आता है जहां रोहिणी रहती थी तो वह उसका मादक स्वर पहचान लेती है और उस आवाज से वह समझ जाती है ये और कोई नहीं खिलौने वाला है वो उत्सुक हो जाती है उसके बारे में जानने मुरली खरीदने के बीच में रोहिणी के पति रोहिणी के पति ग्राहक के रूप में मुरली वाले से काफी सारे प्रश्न ग्राहक के रूप में रोहिणी के पति मुरली वाले से प्रश्न करते हैं और मुरली वाला भी अपने लिए जवाब देता है वह बताता है ग्राहक का तो दस्तूर है कि वह बेचने वाले को क्या है गलत समझे पर ऐसा उसके मन में कुछ भी मैल नहीं था उन्हें समझाने की कोशिश करता है इसके बाद इसी भाग में आप सभी छात्रों को मुरली वाला किस तरीके से बात करता था बच्चों से इस बारे में बताया गया मुरली वाला मिठाई वाले के रूप में फिर दोबारा से आठ महीने के बाद उसी गली में आता है रोहिणी उसकी आवाज सुनकर बहुत ही उत्सुक हो जाती है वो दादी माँ से कहती है मुझे मिठाइयाँ लेनी है बच्चों के लिए और ये सस्ते दामों में बेच रहा है वापिस से बुला लीजिए। तब रोहिणी अपने उत्साह को खत्म करते हुए मिठाई वाले से बातचीत करती है और उससे पूछती मिठाई वाला अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया मैं बाप से पैसे मिठाई के लिए नहीं लूंगा मेरा उद्देश्य था अपने बच्चों की छवि दूसरे बच्चों में देखना इस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए लेखक अपनी कहानी को विराम देते हैं धन्यवाद